अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एक न्यू लुक के साथ आज करेंगे हम स्मोकी मेकअप। तो जल्दी हो जाएगा, बहुत इजी है, जस्ट अप्लाई करेंगे और जल्दी ये मेकअप हो जाता है मेरी नज़र में। तो अभी आप वीडियो देखें, फिर हम अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे मुझे फॉलो कीजिए। आईब्रोज को अच्छी तरह नीट कर लिया था कंसीलर लगा के। आपको पता है आईब्रो को कैसे नीट करना है। उसके बाद पीच कलर का शेड लिया है मैंने, सबसे लाइटर शेड लेते हैं पहले हम अप्लाई करने के लिए। और अपने ब्लेंडिंग ब्रश से जो है मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, अब हम लेंगे मरून कलर का शेड, लेंगे थोड़ा सा डार्क। हमेशा सबसे पहले हमने लाइट शेड लेना होता है, उसके बाद हम डार्क शेड अप्लाई करते हैं अपनी क्रीज लाइन पर और उसको अच्छी तरह से ब्लेंड करते हैं ब्लेंडिंग ब्रश के साथ। तो ये मैं अच्छी तरह से ब्लेंडिंग ब्रश जो है इससे अपने देखे मूवमेंट के साथ, लाइट मूवमेंट के साथ इसको ब्लेंड कर रही हूँ दोनों शेड्स को। ठीक है, ये देखिए हो गया नीट। अब मैंने गोल्ड और सिल्वर टाइप से बदले, गोल्ड सिल्वर मिक्स जो होता है वो शेड लेके अपनी पोमाल पे अप्लाई किया है। अब ये ब्लैक कलर का मैं शेड ले रही हूँ, आप चाहें तो जेल लाइनर लेके भी अप्लाई कर सकते हैं उसको और उसको ब्लेंड कर सकते हैं। मैंने ब्लैक शेड अप्लाई किया है और मैं इसको हल्के हाथ से फिर ब्लेंड करूँगी अपने क्रीज लाइन के कलर के साथ। इसको अच्छे से हमने ब्लेंड करना है, पहले मैं अच्छे से इसको अप्लाई करूँगी देन इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे ताकि वो बैक वाले कलर और ये ब्लैक कलर अच्छे से ब्लेंड हो जाए, अलग अलग लाइंस ना नज़र आए इसकी। मैं तो अभी फास्ट चला रही हूँ वीडियो को, लेकिन आपने सॉफ्ट लुक के साथ इसको करना है ब्लेंड। अब ये ब्लैक कलर का काजल है पेंसिल, ये आइज़ के अंदर मैंने अप्लाई की है। अच्छा, अब ये मेरे पास हैंग फैंग के ग्लिटर्स हैं तो ये ऑलरेडी लिक्विड टाइप में होते हैं, तो इसको जस्ट आपने अप्लाई करना होता है, ना ये गिरते हैं, कुछ भी नहीं है, फॉल आउट भी नहीं होते, तो ये भी सबसे बेस्ट है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, इसके बाद मैंने लाइशेज अप्लाई कर ली हैं। अब ये हाइलाइटर मैं ले रही हूँ जो अपने इनर कॉर्नर्स पर अप्लाई कर रही हूँ। तो हमारा स्मोकी आई मेकअप इज़ रेडी।